सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कुछ लोग पानी में खड़े हुए दिख रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि एक योजना के तहत किया जा रहा है, जिसके अनुसार मुस्लिम समुदाय के लोग किसी एकांत जगह पर गंगा नदी में नमाज पढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। दावे में इसकी वजह बताते हुए कहा गया है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विश्व की अगली लड़ाई पानी के लिए होगी। फेसबुक प्रोफाइल्स, फेसबुक पेजेस के अलावा ये दावा ट्विटर पर भी वायरल हुआ है। ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की। जांच में हमें मालूम चला कि ये वीडियो भारत का है ही नहीं। ढाका ट्रिब्यून की 25 मई 2020 की एक रिपोर्ट में हमें खबर मिली कि बांग्लादेश में अम्फान तूफान के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी। अम्फान ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें बांग्लादेश के शहर खुलना में 4.5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इसी बाढ़ के दौरान लोग खुलना के कोयरा उपजिला में बाढ़ के पानी में खड़े होकर ईद उल फितर की नमाज पढ़ रहे थे। ढाका ट्रिब्यून में इस मौके की तस्वीर दी गई है, लेकिन जब हम वायरल हो रहे वीडियो से उसकी तुलना करते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि यह वीडियो इसी मौके का है। बांग्लादेशी अखबार डेली सन, बांग्ला मिरर ने भी कोयरा में बाढ़ के कारण पानी में नमाज पढ़ने की खबर बताई थी। आपको यह भी बता दें कि यह वीडियो यूएसए के फ्लोरिडा का बताकर भी यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। यानी सोशल मीडिया पर 2020 में बाढ़ के कारण बांग्लादेश में पानी में खड़े होकर नमाज पढ़ने का वीडियो इस गलत दावे के साथ शेयर किया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग गंगा नदी में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं।